प्रतपनं दक्षिणदेशे निधानं आज्योद्वासनं चरुं पूर्वेणानीयाग्नेरुत्तरतः स्थापयेत्। चरुरुद्वासनं अग्नेरुत्तरत एवाज्यस्य प्रदक्षिणीकृत्य आज्योत्तरतश्चरुं स्थापयेत्। तदनंतर स्रुवा को तपाकर अपनी दाहिनी ओर रखें और घृत पात्र को अग्नि पर से उतारकर चरु को पूर्व दिशा से लेकर अग्नि के उत्तर की ओर स्थापित करें। पुनः एक पात्र को अग्नि पर से उतारकर अग्नि के उत्तर ओर से ही घृत पात्र की प्रदक्षिणा कर और उस घृत पात्र के उत्तर की ओर चरु पात्र को रख दें। आज्योत्पवनम आज्यावेक्षणम अपद्रव्य निरसनम पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम वामहस्ते उपयमन कुशानादाय उत्तिष्ठन् समिधोभ्यादाय घृताक्ताः समिधस्तिस्रः अग्नौ क्षिपेत् प्रोक्षण्युदकेन सपवित्रहस्तेन ईशानादि अग्नेः प्रदक्षिणं पर्युक्षणम् इतरथावृत्तिः। उसके बाद कुशा से घी को उछालें और घी को अच्छी प्रकार से देख लें एवं उसमें पड़े हुए तृण आदि अपद्रव्य को निकाल दें। फिर प्रोक्षणी जल को घृत पात्र में छिड़कें। बाएं हाथ में 7 उपयमन कुशाओं को लेकर घी लगे हुए 3 समिधाओं को खड़े होकर अग्नि में छोड़ें। पुनः पवित्र धारण किए हुए हाथ से प्रोक्षणी जल द्वारा ईशान कोण से ईशान कोण तक अपने दाहिने हाथ को घुमा दें और इसी प्रकार प्रोक्षणी पात्र के जल को अग्नि से ईशान कोण तक उल्टा घुमावें। पवित्रयोः प्रणीता सुनिधानम् दक्षिणं जान्वाच्य ब्रह्मणा कुशैरन्वारब्धः समिद्धतमेग्नौ स्रुवेणाज्य होमः। तत्पश्चात उन दोनों कुशाओं को प्रणीता पात्र में रख दें और अपना दाहिना घुटना मोड़कर ब्रह्मा से कुशाओं द्वारा संबंध कर प्रज्वलित धधकती अग्नि में स्रुवा से घी को आहुति प्रदान करें। अग्नेरुत्तर भागे अग्नि के उत्तर भाग में आहुति दें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अब अग्नि के दक्षिण भाग में आहुति दें। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ततः सूर्यादिग्रहाणाम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता गणपत्यादि पञ्चलोकपालवास्तोष्पति क्षेत्रपालदेवानाम् इन्द्रादिदशदिक्पालदेवतानां च प्रत्येकं समित्तिलचर्वाज्यद्रव्यैरष्टोत्तरशतमष्टाविंशतिमष्टौ वा जुहुयात्। उसके बाद सूर्य आदि अनंतांत ग्रह अधिदेवता प्रत्यधिदेवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वास्तोष्पति क्षेत्रपाल एवं दशदिक्पाल देवों का समिधा तिल चावल और घृत से अर्थात चरु से प्रत्येक देवता का 108 28 अथवा 8 बार हवन करें। संकल्प यजमानो हस्ते जलमादाय यजमान हाथ में जल लेकर संकल्प करें। अस्मिन् ग्रह शांति कर्मणि अमुकाख्ये कर्मणि वा इमानि हवनीय द्रव्याणि याया यक्षमाण देवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तन्न मम इत्युच्चार्य भूमौ जलं प्रक्षिपेत् पुनः यथा दैवतानि सन्तु इति वदेत्। और यथा दैवतानि सन्तु यह वाक्य बोले। इति कुशकण्डिकाकरणं समाप्तम्।